तो आज हम सीख रहे हैं कि अकाउंट्स लेजर शीट को किस तरह से सॉल्व करते हैं और ये हमें कैसे हेल्प कर सकता है। देखें, इसको हम लेजर भी कहते हैं और अकाउंट्स लेजर भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि हमें एक इस तरह का शीट का डिज़ाइन बनाना होता है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, एक दुकान का नाम है राशिद NAH कंप्यूटर सिस्टम, और उसका मैंने यहाँ पे लिख दिया डेली लेजर। लेजर ये होता है जिसमें हम डेली एक्टिविटीज़ अपनी रिकॉर्ड कर रहे होते हैं बिजनेस की, कि क्या इनकम हुई, क्या एक्सपेंस हुआ, क्या पैसे मिले और कहाँ से पैसे हमने खर्च किए। तो इसमें यहाँ पे देखिए, हमने 4-5 कॉलम बनाए हुए, सीरियल नंबर, डेट, डिस्क्रिप्शन, डेबिट, क्रेडिट और बैलेंस। इसमें समझने वाली बात यह है कि या तो जब आप कोई कारोबार कर रहे होते हैं तो उसके ऊपर बैठ के आपको या तो पैसे मिल रहे होते हैं या आप पैसे खर्च कर रहे होते हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमने शीट को डिज़ाइन किया है, जिसमें हमने लिखा है कि डेबिट सेक्शन में जब भी हमें पैसे मिलेंगे, कोई माल बेचने में मिलेंगे, उधारी के पैसे मिलेंगे, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। और क्रेडिट सेक्शन में जब भी हम कोई खर्चा करेंगे, कोई चीज़ खाएंगे, कोई बिल देंगे, कोई पेट्रोल खरीदेंगे, कोई भी चीज़ में खर्चा करेंगे, वो यहाँ लिखेंगे। इसके अलावा अगर हम माल भी खरीदेंगे तो वही हम किस में लिखेंगे, क्रेडिट सेक्शन में लिखेंगे। लेकिन ख्याल ये करना है कि अगर एक ही तारीख में दोनों काम होंगे तो एक लाइन में एक काम लिखा जाएगा। मतलब अगर एक ही तारीख में 1 फरवरी को आपको पैसे मिले तो वो आप एक लाइन में लिखेंगे, अगली लाइन में उसी तारीख में अगर आपने पैसे और मिले तो वो अगली लाइन पे लिखेंगे, और अगर उसी तारीख पर आपका कोई खर्चा हुआ है तो वो आप तीसरी लाइन पे लिखेंगे। एक लाइन में दो एंट्रीज नहीं करेंगे, एक लाइन में या तो डेबिट की एंट्री होगी या फिर क्रेडिट की एंट्री होगी। तो इसको समझना है। तो मैंने यहाँ पे एक हिसाब बनाया हुआ है कि जिसमें ओपनिंग बैलेंस इसका ये था 1000 रुपये, मतलब ये जब अपने कारोबार पे आया तो उसके पास 1000 रुपये थे। फिर इसको कुछ पैसे मिले 10,000 रुपये, फिर कुछ और पैसे मिले 5,000 रुपये, फिर इसने माल खरीदा तो 5,000 रुपये खर्च कर दिए, फिर इसने खाना खाया 500 रुपये खर्च कर दिए, फिर इसको 4,000 रुपये मिले, फिर इसने कोई और माल खरीदा तो 1,500 रुपये खर्च कर दिए, लाइट का बिल पे किया, लाइट का बिल पे करने में पैसे खर्च हो जाते हैं तो 2,000 रुपये, गैस का बिल पे किया 600 रुपये, मोबाइल का बैलेंस डलवाया 500 रुपये। तो ये सारा अपना जो खर्चा है वहाँ लिखता जा रहा है। अब इस शीट पे फॉर्मूला कैसे लगाएंगे कि हर ट्रांजेक्शन के ऊपर ये हमें बैलेंस बताएं। अब ट्रांजेक्शन क्या होती है, एक एंट्री जो आप लिख रहे हैं उसको एक ट्रांजेक्शन कहेंगे, ये दूसरी ट्रांजेक्शन कहलाएगी, ये तीसरी ट्रांजेक्शन कहलाएगी। इस तरह अब तक जो ट्रांजेक्शन इसके अंदर हुई है 22 ट्रांजेक्शन हुई है। हम ये देखना चाह रहे हैं कि हर ट्रांजेक्शन में हमारा बैलेंस कितना था। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे बैलेंस वाले सेल पे, सबसे फर्स्ट रो पे, और इक्वल का बटन दबाएंगे। इक्वल का मतलब होता है एक्सेल में आप ये कह रहे हैं कि ये सेल बराबर है किसके, इस सेल के। जैसे इस पे क्लिक करेंगे और एंटर का बटन दबाएंगे तो आप देखेंगे कि जो इस सेल की वैल्यू है वो इस सेल पर आ जाएगी। इससे हमें ये पता चलता है कि एक्सेल के अंदर इक्वल के काम इसका काम ये है कि जिस सेल को भी आप रेफरेंस करेंगे उस सेल का डेटा आपका उस सेल पे नजर आएगा जिससे आपने इक्वल किया होगा। सेकेंड रो पे आके आप क्या करेंगे, यहाँ गौर से देखें, सम का फॉर्मूला रन करेंगे और सेकेंड रो के डेबिट वाले सेल पे क्लिक करेंगे जो कि D8 है, उसमें से माइनस करेंगे सेकेंड रो के क्रेडिट वाले सेल को, भले उसमें वैल्यू हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और फिर प्लस करेंगे फर्स्ट रो के बैलेंस वाले सेल को, भले उसमें भी कोई वैल्यू हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद क्या करेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके सेकेंड रो के फॉर्मूले को जैसे ही आप ड्रैग करेंगे नीचे तक तो ये ऑटोमेटिकली उसका बैलेंस कैलकुलेट करके आपको दे देगा। और जैसे ही यहाँ पे बैलेंस कैलकुलेट करके आपको देगा तो क्लिक करके आप यहाँ पे जैसे ही कॉमा स्टाइल अप्लाई करेंगे तो कॉमा स्टाइल अप्लाई करने पर ये आपको यहाँ पर सारा का सारा बैलेंस नजर आ जाएगा। और जब बैलेंस आपको सारा का सारा यहाँ नजर आ जाएगा तो आपको हर एंट्री पे आपका बैलेंस पता चल रहा है। जब आपके पास 1000 रुपये थे तो आपका बैलेंस 1000 रुपये था, बुला लो यहाँ बैठे, और जब आपको 10,000 रुपये मिले तो आपका बैलेंस कितना हो गया था, 11,000 रुपये हो गया था, और जब आपके 5,000 मिले तो आपका बैलेंस कितना हो गया था, 16,000 रुपये, और जब आपके पास से 5,000 खर्च हो गए तो बैलेंस कितना रह गया था, 11,000 रुपये, और जब आपके 500 रुपये खर्च हुए तो आपका बैलेंस क्या रह गया था, 10,500 रुपये, और जब आपके 4,000 मिले तो आपका बैलेंस कैसे हो गया, 14,000। अब ऐसे अगर आप एंट्री आगे और भी करते जाएंगे कंट्रोल सेमीकोलन, आपको फिर से कैश रिसीव हुआ, किससे मिला, फ्रॉम ज़ीशान, तो हमें कैश मिला ज़ीशान से 10,000 रुपये, तो मैंने एंट्री करी तो हमारा बैलेंस बढ़ के हो गया 19,400। अब आप देख रहे हैं मैं कंट्रोल सेमी कॉलन दबा रहा हूँ, कंट्रोल सेमी कॉलन से जो भी करंट डेट होगी मेरे कंप्यूटर की वो यहाँ नजर आएगी, और क्लिक करने पे मैंने यहाँ पे लिखा सपोज टू बी आज हमने और माल खरीदा, गुड्स परचेज्ड, तो मैंने क्या माल खरीदा, तो माल मैंने खरीदा 25,000 रुपये का, तो 18,000 रुपये का। तो जैसी 18,000 की एंट्री क्रेडिट सेक्शन में करी तो मेरा बैलेंस क्या रह गया, 1,400 रुपये। यही शीट आप अपने घर के इनकम और एक्सपेंस लिखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, यही शीट आप अपने डेली के कारोबार के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, यही शीट आप पर्सनल अकाउंट मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल कर
कर सकते हैं और इसका कुछ तरीकेकार ये है, इसे हम कहते हैं डेली लेजर या अकाउंट बैलेंस शीट। ठीक है, समझ में आ गई बात ये।